गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये जो 6.2 यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है लीडर्स की क्वालिटी, ओके, ये हमने देखा था। अभी हम देखेंगे रोल ऑफ अ लीडर, लीडर का क्या रोल होता है। तो एक बार थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसमें बता देता हूँ कि लीडर की क्वालिटी क्या है। ओके, क्वालिटी ऑफ लीडर, एनर्जेटिक होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस और अफेक्शन होना चाहिए, डिसीजिवनेस, तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, टीचिंग स्किल होनी चाहिए, उसको समझने की स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, इंटरेस्ट इन रिसर्च होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए उसकी, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हाई मोटर कैपेसिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, सोशल लॉजिकल डिसीजन मेकर, मोरालिटी एंड लॉयलिटी, गुड कम्युनिकेटर। ये सारे क्या है, ये सारी है क्वालिटी ऑफ लीडर। अब हमने देख ली कि लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बट उसका रोल क्या है कि हम देखेंगे। तो क्वालिटी हमने देखी, उसके अंदर रोल ऑफ अ लीडर, अ लीडर हैज़ परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड रोल इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच आर डिस्क्राइब बिलो। मतलब एक जो लीडर होता है उसको अलग अलग वेरियस फंक्शन में अपना रोल प्ले करना होता है फिजिकल एजुकेशन में, जो यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया है। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन। स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन का मीनिंग है कि एक स्ट्रक्चर सिचुएशन होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसमें कैसा वो अपना स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, द लीडर फॉरमोस्ट द फंक्शन इज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सिचुएशन फॉर द ग्रुप मेंबर्स। ही सी इंटरप्ट्स द एक्चुअल सिचुएशन बाय क्लेरिफाइंग द एम्बिग्यूटीज एंड बाय एम्फसाइजिंग सर्टन एस्पेक्ट्स। मतलब कि एक लीडर का काम जो होता है, जो एक स्ट्रक्चर को बनाना होता है ग्रुप मेंबर्स के लिए, क्योंकि एक्चुअल जब सिचुएशन होता है, जो प्रॉब्लम सिचुएशन होती है, तो उसको क्लेरिफाई करना, उसको एक तरीके से बताना जिससे सारे के मन में जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाए। देन ही और शी फोकस ऑन द गोल, उसके बाद वो गोल पे फोकस करते हैं। इन डूइंग दिस ही शी मस्ट कॉन्शियसली स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी और ही शी में डिनी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिजॉर्ट द डाटा। If group member accept his interruption, the cooperative behavior of a group is possible. The leader of physical education observe every situation minutely. मतलब कि क्या होता है कि सारे जो चाहते हैं कि एक ग्रुप लीडर जो है हमेशा आगे रहे, वो हमें कॉपरेटिव बिहेवियर रखे, वो ग्रुप को साथ में लेके चले, वो जहाँ भी ग्रुप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो आगे उसका सोल्यूशन लाए, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातों को भी फिजिकल एजुकेशन का लीडर ऑब्जर्व करता है और उसको सिचुएशन को समझ के उसको क्लियर करने की ट्राई करता है। इन टूर्नामेंट और कंपटीशन ही सी इंटरप्ट्स द कंप्लीटली सिचुएशन टू मेंबर ऑफ अ टीम। मतलब जब टूर्नामेंट और कंपटीशन होता है तो उस टाइम पे वो सिचुएशन कंप्लीटली इंटरप्ट करता है और जो भी मेंबर्स ऑफ टीम रहते हैं उनको माइंड में क्लियर रखता है। ही और शी क्लेरिफाई डाउट्स एंड सेट अ गोल फॉर हिज हर टीम। मतलब वो कई भी प्लेयर्स के या टीम के अंदर डाउट नहीं रखना चाहता, इसलिए वो अपने जो डाउट्स होता है प्लेयर के अंदर उसको क्लियर करता है और अपने टीम के लिए गोल सेट करता है कि हमको ये अचीव करना है। तो पहला था स्ट्रक्चर द सिचुएशन, स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, जो हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है हमारी टीम का। सेकेंड है कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, द ग्रुप बिहेवियर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन लीडर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज सर्टन टाइप ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर दैट मे बी अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट द हो ऑफ द होल टीम। मतलब जो फिजिकल एजुकेशन का लीडर होता है हमेशा ट्राई करता है, मिनिमाइज करता है कि सर्टन टाइम का इंडिविजुअल होता है जो सबके अगेंस्ट बिहेवियर रखता है, उसको वो बिहेवियर को पूरे टीम के लिए कंट्रोल करके रखे। द लीडर एनफोर्स रूल्स इफेक्टिवली, ही और शी एनफोर्स द रूल ऑफ द ग्रुप यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। द लीडर जो होता है वो हमेशा इफेक्टिव रूल्स बनाता है कि उसकी वजह से या रिवॉर्ड मिले या पनिशमेंट मिले, इसलिए वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखता है। ही और शी मे वॉर्न द मेंबर और प्लेयर हु द टीम हु डेमोंस्ट्रेट इनडिसिप्लिन। मतलब वो ध्यान रखता है, वो बताता है, उस चीज़ में बताता है कि डेमोंस्ट्रेट रखता है कि कोई भी टीम मेंबर इनडिसिप्लिन में ना रहे, और इसलिए वो बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इसमें। ही शी मे गिव रिवॉर्ड्स टू द प्लेयर हु परफॉर्म वेल एंड प्रूव हिमसेल्फ हर सेल्फ एन एसेट टू द टीम।
मतलब कि वो ऐसा लीडर है जो रिवॉर्ड देता है जो अच्छे प्लेयर ऑफ द टीम के होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीम के लिए, एसेट है टीम के लिए। इन द वे द लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंट्रोल द ग्रुप बिहेवियर, मतलब इस वजह से ऐसे ही करके वो टीम का ग्रुप बिहेवियर कंट्रोल करता है फिजिकल एजुकेशन का लीडर। क्योंकि जब तक कोई प्लेयर गलती कर रहा है उसको पनिशमेंट ना मिले, कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसको रिवॉर्ड ना मिले, तब तक वो चीज़ में वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर कोई प्लेयर को हम ज़्यादा करके पनिशमेंट दे रहे हैं किसी उनकी गलती की वजह से, तो वो भी सोचेगा मुझे पनिशमेंट क्यों मिल रही है। तो इसलिए सभी प्लेयर्स को कंट्रोलिंग द ग्रुप बिहेवियर आना चाहिए। मतलब लीडर का काम ही यही है कि वो ग्रुप को कैसे संभाल के रखेगा। ठीक है, द थर्ड वन स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, मतलब ये क्या है, स्पीकिंग फॉर द ग्रुप के लिए बोलना। द लीडर प्ले अ रोल ऑफ स्पोकमैन, मतलब वो लीडर है ऐसा जो एक रोल है उसका टीम के लिए बोलना। स्पोक्स फॉर द ग्रुप, वो ग्रुप के लिए बोलता है। अ लीडर मस्ट बी सेंसिटिव टू द इमोशंस ऑफ अदर, मतलब वो सेंसिटिव होता है दूसरे के इमोशंस को लेके, दूसरे के एक्सपेक्ट्स को लेके। ही शुड बी स्किलफुल इन ट्रांसलेटिंग द ग्रुप फीलिंग इन टू बोथ वर्ड्स एंड एक्शन, वो ऐसा स्किलफुल होता है कि अपने ग्रुप के फीलिंग्स को ट्रांसलेट करके बताने के स्किल रखता है, बहुत दोनों तरीके से, वर्ड्स में भी और एक्शंस में भी। ठीक है, तो स्पीकिंग फॉर द ग्रुप ये इसका क्या है, रोल ऑफ अ लीडर, लीडर का रोल ये है। फोर्थ वन प्लानिंग फॉर द ग्रुप, द लीडर डिसाइड द वे एंड मीनिंग विच सॉरी द लीडर डिसाइड द वे एंड मीन्स बाई विच द ग्रुप शॉल अचीव इट्स एंड। दिस कंप्राइज बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग एंड इट्स अप टू लीडर द डिटरमाइन वॉट पार्ट ऑफ द प्लानिंग वुड ही शी शेयर, मतलब क्या होता है, लीडर जो डिसाइड करता है वे ऑफ मीनिंग प्लानिंग करना विच जो ग्रुप के लिए अचीव अच्छा एंड अचीव करे। इसमें दो टाइप के होते हैं, ठीक है, प्लानिंग द रेंज ऑफ प्लानिंग छोटा होता है एक बड़ा होता है। ठीक है, कि जो डिटरमाइन करता है पार्ट ऑफ कि ये कैसा प्लान शेयर करें, शेयर एंड व्हाट पार्ट ही शुड बी कन्फिड द टू द सिलेक्ट फ्यू और नोन फ्यू और टू नोन। ड्यू टू दिस रोल एज अ प्लानर द फॉलोअर्स डेवलप अ फीलिंग दैट अ सक्सेसफुल लीडर कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली। अ लीडर हैज एवरी एस्पेक्ट इन हिज हर माइंड वाइल मेकिंग अ प्लान और अ पॉलिसी, मतलब वो ऐसा सक्सेसफुल के लिए अपने फॉलोवर्स के लिए, अपने टीम लीडर्स के ऐसा प्लान बनाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और जिससे सारे के प्रॉब्लम जो इफेक्टिवली सॉल्व हो जाए। इसलिए लीडर हमें कहा जाता है कि लीडर पूरी टीम को संभालता है, वो पूरी टीम को जगल करता है। ठीक है, इट नीड्स अ थ्रू एंड विविड नॉलेज टू ले आउट अ प्लान। इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन द लीडर मेक्स बोथ टाइप्स ऑफ प्लान इन शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लान, मतलब जो अलग अलग नॉलेज की वजह से वो प्लान को पुट आउट करता है, ले आउट करता है। और फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन लीडर दो टाइम के प्लान बनाते हैं, शॉर्टर भी हो एज वेल और लॉन्ग भी बनाते हैं, ताकि जो टीम के लिए अच्छा रहे उस हिसाब से। फिफ्थ है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान द लीडर में एग्जीक्यूट वेरियस प्लान, मतलब बहुत सारे प्लान वो बनाते हैं, बताते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। विच ही कंस्ट्रक्ट्स फॉर द बेनिफिट्स फॉर हिज हर फॉलो, मतलब वो ऐसे प्लान बनाते हैं, करते हैं कि वो उस अपने टीम के, अपने फॉलोवर्स के लिए, अपने जो टीम के सारे टीम मेंबर्स के लिए अच्छा रहे। एग्जीक्यूशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रुप, मतलब एग्जीक्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो अपने एम और एग्जीक्यूटिव को हम हमारे ग्रुप के लिए अचीव कर सके, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एग्जीक्यूशन। इट इज़ सेड दैट वेल बिगन इज हाफ डन, सो इफ प्लान आर एग्जीक्यूट वेल देयर कैन बी गुड अचीवमेंट लेटर ऑन, मतलब कि इसमें कहा गया है कि वेल बिगन इज़ अ हाफ डन, मतलब अच्छा
अगर हमने स्टार्ट किया है तो मतलब आधा डन हुआ है। अगर हमारा प्लान एग्जीक्यूट अच्छा होता है तो हम बाद में अच्छा अचीवमेंट लेटर ऑन हम पा सकते हैं। और लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप आर पुट वेल इन टू ऑल द अफेयर्स इन एग्जीक्यूशन और नॉट। मतलब उसको ध्यान रखना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ग्रुप के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से पुट ऑन हुए हैं कि नहीं, और वो एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ है कि नहीं, ये सब का ध्यान रखना है। ही शी डज नॉट पोक हिज हर नोज बट ही शी डज हिज नोज बॉटल नेक। मे वैल्यूबल प्लान्स बिकम जीरो इफ आर नॉट एग्जीक्यूट वेल। मतलब अगर अच्छा प्लान नहीं बना है तो वो हमारे लिए एग्जीक्यूट अच्छा नहीं होगा, जीरो वो बिकम जीरो हो जाएगा, वो हमारे कोई फायदा कारक नहीं है। सो सक्सेसफुल सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्लान डिपेंड ऑन द वे यू एग्जीक्यूट। मतलब जो प्लान का अगर सक्सेसफुल होने का चांसेस किस पे होगा कि हमने कैसा एग्जीक्यूट वो प्लान किया है, वो प्लान सक्सेस होगा या फेलियर होगा वो हमारे एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। अ लीडर एग्जीक्यूट अ प्लान मोस्ट इफेक्टिवली एफिशिएंटली ही शी हैंडल इट वॉज ग्रेट केयर। मतलब जी जो लीडर होगा उसको प्लान को मोर ज़्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि वो अगर ये ऐसा नहीं करता है तो वो हमारा पेन फेलियर हो जाएगा, और लीडर का काम यही है कि वो हैंडल अच्छे तरीके से कर सकता है, ग्रेट केयर तरीके से कर सकता है। ओके तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान बहुत ज़रूरी है। सिक्स है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या है? लीडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, लीडर इज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप। मतलब एक कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें हमारा लीडर चाहिए, हमारा कैप्टन चाहिए कि ये सब कुछ हैंडल करेगा, हम बैकवर्ड काम करेंगे, ये फ्रंट में आपको लीड करता रहता है। तो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है सबके सामने। इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द लीडर स्पीक्स फॉर द होल टीम। मतलब वो पूरी टीम के लिए बोलता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोलेगा। इवन टीम गेम है तो कोई भी टीम एक बंदे की वजह से या एक प्लेयर की वजह से नहीं जीत पाएगी, पूरी टीम अगर थोड़ा थोड़ा काम करेगी या पूरा उनका जो जॉब है वो करने देगी तभी वो टीम जीतती है। जैसे क्रिकेट की बात करता हूँ तो क्रिकेट में क्या होता है, हर एक प्लेयर का अलग अलग रोल होता है। ओपनिंग बैट्समैन का अलग होता है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का अलग, लोअर ऑर्डर बैट्समैन का अलग। पर सिर्फ बैट्समैन ही रन बनाए, बॉलर अच्छी बॉलिंग ना करे तो फिर भी हम मैच नहीं जीत सकते। अगर मैंने 200 रन बना दिया बैटिंग में बट हमारे बॉलर अच्छे नहीं है तो 200 रन भी बहुत कम हो जाएंगे। तो टीम में यही काम है कि पूरी टीम को वर्क करना पड़ेगा तभी वो टीम जीतेगी। ठीक है तो लीडर का काम क्या है, वो पूरी टीम के लिए बोलता है। इफ़ द टीम इज फेसेस एनी प्रॉब्लम द लीडर डिस्कस द प्रॉब्लम विथ अथॉरिटीज। मतलब अगर टीम कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है तो वो अथॉरिटीज से डिस्कस करता है, बात करता है उस चीज़ के लिए। ही और शी फाइट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ अ टीम फॉर ऑफ द टीम। मतलब वो फाइट्स करता है मेंबर ऑफ द टीम जो भी होते हैं उनके उनके लिए फाइट करता है अथॉरिटी से। ही शी इज़ द मेन पर्सन हु गोज फॉरवर्ड टू टॉक फॉर द टीम। मतलब वो एक मेन पर्सन है जो सामने से जाके अपने टीम के लिए बात करें अपने जो भी अथॉरिटीज से हैं। लीडर एज अ कंट्रोलर और ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। लीडर ऐसा है जो इंटरनल रिलेशनशिप को भी कंट्रोल करता है। ऑल मैटर पर्टेनिंग टू डिसिप्लिन ऑफ द ग्रुप और टीम लाइक रिवॉर्ड्स वार्निंग और आर्बिट्रेशन आर ऑल द हैंड्स ऑफ द लीडर। मतलब जो कोई भी मैटर्स होता है डिसिप्लिन या कोई भी लाइक रिवॉर्ड देना है, वार्निंग देनी है या किसी को गुस्सा करना है, ये वो सारी चीज़ें किसके हैंड के नीचे होती हैं, वो सारे लीडर के हाथ के अंदर होती है कि किस बंदे को कैसा पनिशमेंट देना है, क्यों रिवॉर्ड देना है या उसको कैसे समझाना है। ओके द इंटरनल डिफरेंसेस आर सेटल बाय द लीडर। मतलब जो कभी कभी क्या होता है हमारे टीम के अंदर इंटरनल ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, पर वो इंटरनल डिफरेंसेस को ही सेटल करना लीडर का काम है। ठीक है क्योंकि अगर किसी टीम मेंबर्स का किसी के साथ नहीं बनता है तो वो टूर्नामेंट में या मैच के दौरान भी वो दिखेगा। ठीक है कि वो उसको पसंद नहीं करता है तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा, गेम में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो
तो इसीलिए इंटरनल डिफरेंसेस को सेटल करना लीडर का काम है. ही और शी मेक एवरी एफर्ट एफर्ट टू राइज द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द टीम. मतलब वो उसको एफर्ट ऐसा ऐसा एफर्ट डालना होता है लीडर को कि वो टीम का मोरल स्टैंडर्ड को बढ़ा सके. ही और शी टेक डिसीजन एदर ही और शी ओन और विद द हेल्प ऑफ अदर टेक डिसिप्लिनरी मेजर अगेंस्ट अ मेम्बर हु इज इन अ इज अ फॉल्ट. मतलब उसको डिसीजन लेना होता है कि दूसरों को हेल्प करे जो डिसिप्लिन में है, जो बहुत अच्छा है, और जो फॉल्ट में है उसको अलग तरीके से समझाने की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए लीडर एज अ कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीम का माहौल ही अच्छा नहीं होगा तो टीम जब ग्राउंड पे उतरेगी या मैच खेलने जाएगी तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने कर पाएगी, क्योंकि इंटरनली हम हमारे अंदर या प्लेयर्स के अंदर अच्छा बर्ताव या बिहेवियर नहीं है, उनके अंदर ही रिलेशन नहीं है. तो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए लीडर का काम ये है कि वो अच्छा रिलेशनशिप टीम मेंबर्स के अंदर बना के रखे. ठीक है, अब बात करते हैं लीडर एज एन एग्जाम्पल. मतलब लीडर जो होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है. ठीक है, लीडर इंस्पायरिंग द मेंबर ऑफ हिज हर ग्रुप ऑफ अ टीम बाय हिज और क्वाटेबल एग्जाम्पल्स. मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल से इंस्पायर करता है अपने टीम मेंबर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को, क्योंकि एक लीडर भी हो जाता है वो रोल मॉडल होता है कुछ प्लेयर्स का, मतलब टीम के सभी मेंबर्स का. ही और शी सेट टॉप नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट कैरेक्टर एंड आइडियलिज्म. मतलब वो अपने ही एक कंडक्ट नॉर्म्स बनाता है, वो अपने उसके कंडक्ट नॉर्म कैरेक्टर और आइडियलिज्म सेट करता है कि ये चीज़ को अचीव करना दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. ही और शी शोर ऑल द क्वालिटीज विद हिज विद इन हिमसेल्फ हर सेल्फ एंड वुड बी लाइक टू इंक्लूड अमॉन्ग अदर मेम्बर्स फॉर हिज टीम. मतलब वो उसकी क्वालिटीज़ को अलग तरीके से इंक्लूड करना चाहता है जो दूसरे टीम्स के मेम्बर्स भी उसको अचीव करने की ट्राई करें. द ग्रुप यूनिटी इज ऑल्सो एनहांस व्हेन लीडर परफॉर्म हिज हर वर्क होल हार्टली. मतलब अगर टीम का जो लीडर है परफॉर्म बहुत अच्छा करता है दिल से, तो ग्रुप की यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लीडर ही हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम भी उसकी तरह ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं टीम के लिए. ओके, तो आई होप कि ये रोल ऑफ अ लीडर मैंने जो समझाया है वो आपको प्रॉपर समझ आया होगा. अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें. थैंक यू सो मच.